हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये एक बेबी स्वेटर के लिए, ये 3 डक का सेट जो बनने में बहुत अच्छा लगता है। ये आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कि हमको ये डक कैसे बनानी है स्वेटर पे। देखिए, ये डक का सेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो जो बनाई थी उसमें 2 लाल, 1 पीले, 2 लाल, फिर 4 पीले, 2 लाल, 1 पीला, 2 लाल, 2 पीले, 2 लाल, 1 पीला, 2 लाल, ऐसे ये मैंने पूरी रो फर्स्ट कंप्लीट करी। उसके बाद जब मैं उल्टी सिलाई पे आए हम, तो उल्टी सिलाई में हमारा 2 लाल था वो हमारा 1 हो गया, 2 पीले, 1 लाल, 4 पीले, 1 लाल, 1 पीला, 1 लाल, फिर 5 पीले, 1 लाल, 2 पीले, 1 लाल, ऐसे करा हुआ है। और अब इसके ऊपर ये हमारा रेड ऊन यहीं से ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर हमारे यहाँ पे रेड की जगह हमको ये ग्रीन से बनाना है। ग्रीन डक जो मैं बना रही हूँ वो ग्रीन कलर में है, तो मैं इसमें ग्रीन ऊन लगाऊंगी। ये रेड जो है डक का पैर है, तो रेड पे मैंने ग्रीन लगाया। 1, 2, 3, 4, ये 4 हमारे मतलब एक पैर से लेके दूसरे पैर तक 4 हमारे ये ग्रीन हो गए। अब हमें बीच के अपने ये 4 येलो करने हैं, ये हमारे बीच के फंदे। 1, 2, 3, 4, 4 हमारे ये यहाँ के येलो हो गए। और अब हमें ये 4 फंदे ग्रीन बनाने हैं। एक, दो, तीन, 4, ये हमारे 4 फंदे ग्रीन हो गए। फिर हमें 4 पीले बिनने हैं। दो, तीन, 4, 4 हमारे पीले हो गए और ये हमारे यहां से यहां तक फिर ये 4 ग्रीन हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 4 हमारे ग्रीन हो गए। ये साइड के फंदे हमारे एज इट इज सीधे येलो रहेंगे। ये उल्टी सिलाई में हम आ गए हैं, तो उल्टी सिलाई में जहाँ पे मैंने ग्रीन जहाँ तक लगा रखा है, देखिए जो ग्रीन है उसके पहले एक येलो फंदा है, वहाँ पे हमें इस येलो को भी ग्रीन करना है। ऊन को हम ऐसे जनरली फंसाते हैं कि ग्रीन मतलब येलो वाला ऊन हमने इस साइड पे कर लिया, ग्रीन को आगे से लाए जिससे हमारा ऊन फंस जाए। तो हमारा ये जो ग्रीन है ये हमारे 4 थे, अब एक इस साइड पे बढ़ गया राइट सिलाई पे। 1, 2, 3, 4, 5, और एक हमारा लेफ्ट वाली सिलाई पे जो येलो है इसको भी मैंने ग्रीन कर दिया। ये हमारे यहाँ पे टोटल 6 ग्रीन हो गए। 1, 2, 2 हमारे येलो हो गए। यहाँ पे भी हमारा ये पहले हमने 4 ग्रीन बना रखे हैं, एक इस साइड पे ग्रीन बढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे ये ग्रीन फिर इधर हो गए और 2 येलो। ये जब आप इस फंदे से 6 ग्रीन के बाद आप जब येलो इस साइड पे लाते हैं तो इस फंदे को हमेशा ढीला रखिए, वरना आपकी बिनाई सिकुड़ जाएगी। थोड़ा सा जब भी आप ऐसी बिनाइयाँ डालिए तो ऊन को थोड़ा ढीला रखिए। फिर हमारे यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे फिर ये ग्रीन हो गए उल्टी साइड में, और बाकी साइड के फंदे एज इट इज पूरे उल्टे चलेंगे जिस भी कलर से आप बना रहे हो। ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई है, तो यहाँ पे हमको इस ग्रीन से स्टार्ट करना है। तो ये हमारा ग्रीन वाला फंदा यहाँ पे ग्रीन रहेगा और हमारे ग्रीन यहाँ पे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 थे, अब हमारे ये हो जाएंगे 7।
सात ग्रीन हो गए, एक हमारा ये येलो रहेगा और ये हमारे ग्रीन हो जाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात ग्रीन हो गए, फिर एक येलो और ये वाले भी हमारे ग्रीन हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ और एक ये सात, एक दो तीन चार पाँच छ, छ ही रहेंगे, सात नहीं छ रहेंगे, ये हमारे ग्रीन ये वाले छ हो गए, लास्ट वाले डक का हमारा छ ग्रीन रहेगा, बाकी के इधर हम येलो बनाएंगे। अब सीधी सिलाई में हमारा जो ग्रीन वाला है ये हमारा येलो हो जाएगा और ये हमारे एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमारे ग्रीन हो गए, एक दो तीन सीधी सिलाई में हमारा जो ग्रीन वाला है ये हमारा येलो हो जाएगा और ये हमारे एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमारे ग्रीन हो गए, एक दो तीन और ये एक चार, चार हमारे येलो हो गए और एक दो तीन, तीन ग्रीन, फिर एक येलो और ये वाला भी हमारा ग्रीन रहेगा, एक येलो के बाद एक ही ग्रीन, एक ये ग्रीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे येलो वाले फंदे एक दो, दो येलो हो जाएंगे और ये एक दो तीन ग्रीन और ये जो ग्रीन है ये भी हमारा येलो हो जाएगा, ये हमारे सारे फंदे येलो, लास्ट के येलो चलेंगे। ये उल्टी सिलाई में जब हम आएंगे तो हमारा ये जो हमारा ग्रीन फंदा है एक इस साइड को बढ़ जाएगा, पहले तीन थे अब इस पीले को ग्रीन बनाना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हमारे ग्रीन हो गए, एक दो येलो हो गए, फिर दो ग्रीन और ये एक, अब इसका डक का मुंह बनाने के लिए एक फंदा हम रेड से बनाएंगे, इसका मुंह बनाएंगे, दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन हमारे येलो हो जाएंगे, एक दो तीन येलो और ये पांच हमारे इधर के ग्रीन, एक दो
तीन चार पांच, येलो सारे येलो ही रहेंगे। ये सीधी सिलाई में हमारा ये जो ग्रीन फंदा है यहीं से स्टार्ट कर रही हूं मैं। ग्रीन हमारा ग्रीन हो गया, एक दो तीन, तीन हमारे एक ग्रीन हो गए। और यहाँ पे इस फंदे में हम इसकी आंख बनाएंगे, तो इसमें हम इसके लिए ब्लैक कलर लगाते हैं। ये हमने ब्लैक कलर से इसकी आई बनाई, एक हमने ब्लैक करा, ये एक ग्रीन, फिर ये एक रेड, रेड इसके मुंह के लिए रेड बनाएंगे। ये हमारा रेड हो गया, फिर हमारे इधर एक दो, दो येलो हो जाएंगे और एक ग्रीन, एक ब्लैक, फिर एक ग्रीन, एक ब्लैक, एक ग्रीन, ये एक येलो, एक रेड, एक ग्रीन, आइस के लिए एक ब्लैक, और ये तीन ग्रीन। ये तीन हमारे ग्रीन और बाकी के येलो के फंदे हमारे इधर वाले जो हमारे होंगे वो हमारे येलो रहेंगे। ये उल्टी सिलाई में आने पे हमारे ये जो ग्रीन फंदे हैं ये हमारे हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच, पांच ग्रीन हो गए और ये रेड वाला भी येलो हो जाएगा, एक दो, दो हमारे येलो हो गए, फिर ये हमारे बीच के डक का जो है वो भी पांच हमारे ग्रीन हो जाएंगे, अब इधर हमारे तीन येलो हो जाएंगे और ये पांच लास्ट में ग्रीन। साइड के फंदे सारे जिस कलर से आप बिन रहे हैं उस कलर के रहेंगे। ये हमारी बिनाई की लास्ट रो है, यहीं से हमारा ये डक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसका सेट जो बना रहे हैं। अब देखिए इसमें ग्रीन वाला एक ग्रीन इधर से रेड येलो हो जाएगा और ये हमारे तीन ग्रीन हो जाएंगे, बाकी के येलो, एक दो तीन चार पांच येलो, तीन ग्रीन, एक दो तीन, फिर ये हमारे येलो चलेंगे इधर, एक दो तीन चार, चार येलो हो गए, तीन ग्रीन और ये लास्ट के सारे हमारे येलो हो जाएंगे।
ये देखिए, ये हमारा पूरा शेप डक का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें ये नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए, हमने यहाँ पे हमारा ग्रीन खत्म हुआ था, उसके बाद मैंने ये 5 रो येलो से कर ली हैं। अब इसके ऊपर हम ये नीचे का पोर्शन बनाएंगे, ये नीचे वाला पोर्शन ये बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमको एक, इसमें हम लगाएंगे ग्रीन, एक फंदा ग्रीन, 3 येलो, 3 येलो, 1 ग्रीन और 3 येलो। पूरी रो हमको ऐसे ही 3 येलो और 1 ग्रीन से कंप्लीट करनी। सीधी रो हमारी 3 येलो और 1 ग्रीन से कंप्लीट होगी। ये देखिए, हमारी जो ये रो है पूरा 3 येलो और 1 ग्रीन से कंप्लीट हुई है। पूरी रो में आपको 3 येलो फंदे हैं और 1 ग्रीन है। अब जब हम उल्टी रो में आते हैं तो हम ये जो ग्रीन वाला फंदा है, क्योंकि लास्ट में मेरे 1 है तो मैंने इस साइड पे 2 कर लिया। अब हमारा यहाँ पे येलो 1 हो जाएगा और ग्रीन 3 हो जाएंगे। 1 येलो पे ग्रीन हो गया, 1 तो ऑलरेडी पहले से है और 1 इसके साइड में, मतलब ये इस ग्रीन के अगल बगल दोनों साइड पे हमें एक एक ग्रीन बढ़ा लेना है। अब हमारे यहाँ पे 3 ग्रीन और 1 येलो ऐसे रो चलेगी पूरी, 3 ग्रीन और 1 येलो से। पूरी रो हमारी अब यहाँ पे पहले 3 येलो और 1 ग्रीन था, और अब हम जब उल्टी सिलाई में आते हैं तो हमारे 3 ग्रीन और 1 येलो हो जाएगा, कलर उल्टे हो जाएंगे। ये हमारी सीधी सिलाई पूरी अब हमारी ग्रीन की रहेगी। ये देखिए, पहले 3 उल्टी सिलाई में हमारे 3 ग्रीन और 1 येलो हो गया है, और अब हमें सीधी सिलाई जब हम आते हैं तो पूरी नॉर्मल प्लेन ग्रीन से चलेगी। ग्रीन सिलाई सीधी और उल्टी कंप्लीट होने के बाद हमारा ये डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें हमने ऊपर की भी रो येलो से कंप्लीट, ग्रीन वाली यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने एक येलो रो बना दी है और ये हमारा पूरा डिजाइन ऐसे कंप्लीट होके आ जाता है। ये देखिए, तीनों ये डक अगल बगल, 2 इसके बगल में हैं और 1 ये सामने से बैठी हुई है, ऐसा लगता है ये ऐसे बन के आता है। तो फ्रेंड्स, आप हम इस डिज़ाइन को अगर आपको पसंद आया हो तो अपने स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में इसको आप डाल सकते हैं। और हमारे चैनल को आप ऐसे ही प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।